कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब तो हुई, लेकिन बहुमत जुटाने में नाकामयाब रहने के चलते महज 55 घंटों में उसकी सरकार गिर गई। ऐसे में यहां अब ये सवाल उठता है कि आखिर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी बीजेपी कैसे हार गई, इसके पीछे क्या वजह या गलतियां रही। तो आइए जानते हैं उन 5 गलतियों के बारे में जिसने बीजेपी से सत्ता छीन ली। पहली गलती, बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस और जेडीएस इतनी जल्दी एक साथ आ जाएंगे। बीजेपी खुश इसलिए थी कि जेडीएस वोकालिका बेल्ट में अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, जिसका साफ मतलब था कि कांग्रेस की सीटों में कमी आएगी। बीजेपी ने सोचा भी नहीं था कि कांग्रेस तुरंत ही एचडी कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री पद की पेशकश कर देगी। सरकार बनाने को लेकर पार्टी में दो राय थी। दूसरी गलती, बीजेपी को लगा कि वो सदन में आसानी से बहुमत साबित कर देगी। यही वजह थी कि उसने दावा पेश करने में देरी नहीं की, लेकिन वहीं पार्टी का दूसरा धड़ा चाहता था कि कांग्रेस और जेडीएस को सरकार बनाने देना चाहिए था और लोगों को ये बताना चाहिए था कि हमें धोखा दिया गया। तीसरी गलती, बीजेपी को तीसरा झटका तब लगा जब येदियुरप्पा को राज्यपाल वजूभाई वाला ने सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया और कांग्रेस इस पर सुप्रीम कोर्ट चली गई। चीफ जस्टिस ने तुरंत सुनवाई के लिए एक संवैधानिक बेंच गठित कर दी। बीजेपी फिर भी खुश थी कि चलो शपथ ग्रहण पर रोक तो नहीं लगी, लेकिन जैसे ही कोर्ट ने बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ एक दिन का वक्त दिया, बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि तब तक सारे विधायक बाहर पहुंचाए जा चुके थे। चौथी गलती, बीजेपी को कांग्रेस को कमतर आंकना भारी पड़ा। बीजेपी ने सोचा नहीं था कि कांग्रेस अपने विधायकों को एक साथ रखने में सक्षम होगी और उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा देगी, जहां वो नहीं पहुंच सकी। कांग्रेस अपने विधायकों को मनाने में कामयाब हो गई थी कि वो सरकार बनाएंगे। इस आत्मविश्वास ने उन्हें समर्थन बनाए रखने में मदद की। पांचवी गलती, बीजेपी को ये उम्मीद थी कि येदियुरप्पा एक बार फिर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लें तो फिर वे राज्य में लिंगायत नेताओं की मदद से कांग्रेस के लिंगायत सदस्यों को बदलने के लिए राजी कर सकेंगे, जो नहीं हो सका। इस बीच ऐसा लगता था कि बीजेपी में कोई भी जिसकी कांग्रेस में किसी से अच्छे संबंध हों या जो कांग्रेस से बाहर निकला था, वो उन्हें मना लेगा। कांग्रेस ने इन बातों की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की, हालांकि वो प्रमाणिक नहीं है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।